तो चलो जी, क्या हाल चाल भैया बहनों। आज लेकर आज के भैया हम एक और नया स्टंटर्स, और आज का स्टंटर्स मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैंने खुद देखा है। आज का स्टंटर्स भाई बहुत ही ज्यादा बड़ा होने वाला है। तो क्या बात है भाई, लेकिन यार हम लोग कितनी ज्यादा हाइट पे हैं, और हाइट भी छोड़ो, कितनी ज्यादा शानदार नजारा है भाई आगे का। देखो यार, वाह भाई साहब, पूरा लॉस सैंटोस के पहाड़ दिख रहे हैं, पहाड़ी इलाके में भाई साहब आज का स्टंटर्स है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, जो भी हो आज का स्टंटर्स शुरुआत करने की बारी है हमारे नोबिता भाई की। लेकिन एक सेकंड सुनील भाई, नोबिता तो पिछली बार भी रेस जीता था ना, तो ये रिकी स्टार्ट करेगा। तो भाई ऐसा ही होता है ना, विनर स्टार्स द फर्स्ट रेस। उसके बाद है हमारे शिनचैन भाई की बारी। तो शिनचैन भाई तेरी अगली बारी है, तो फिलहाल तो तू बस ये प्रे कर कि नोबिता भाई एक ही रन में रेस को ना जीत जाए पिछली बार की तरह। अरे आज की स्टेट रेस ही जीती गई है कल एक ही बार में, क्योंकि आज का स्टेट रेस बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। आज का स्टेट रेस तो सिर्फ मेरे जैसा प्रो प्लेयर ही जीत सकता है। तू और प्रो प्लेयर, ये कैसे हो सकता है? आज का स्टेट रेस तो मैं ही जीतूंगा, देखते रहना बस, नोबिता भाई को आउट होके आने तो दे। हैं, सपने अच्छे दिखते हैं, तू सपने देख, सपने देखते हैं किसके सपने होते हैं और कौन जीतता है। लेकिन यहाँ पर हमारे नोबिता भाई कुछ ज्यादा ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और बहुत ही ज्यादा संभलते हुए आगे चढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे चढ़ाई थोड़ी सी मुश्किल होती हुई बहुत अच्छे, लेकिन नहीं 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 ओ नो यार, नोबिता भाई बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन भाई साहब सिर्फ एक ऑब्स्टिकल की वजह से उनका बैलेंस गया और नोबिता भाई बिल्कुल टुबुक पानी में। तो चलो नोबिता भाई जल्दी से पहुंचो भाई रेस ट्रैक पे, अब है हमारे शिनचैन भाई की बारी। अरे वो मेरी बड़ी आ ही गई, थैंक यू भाई। चलो जी अब मैं करता हूँ रेस की शुरू। देखना ए बैठे छाप कल हुए तो जरूर देखना कैसे मैं रेस को जीतता हूँ बिल्कुल एक ही रन में। है आज तो तू खड़े खड़े हारेगा, तो अपनी हार का प्राइस मनी निकाल के रख, निकाल दे के रख सीधा $20 बिलियन। शिनचैन भाई मैं तुम्हें सिर्फ एक एडवाइस दूंगा कि इतना ज्यादा भी भाई मत उड़ो, क्योंकि भाई साहब आज का स्टंट रेस बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट और लेंथी होने वाला है, तो आज के स्टंट रेस में कुछ भी हो सकता है। तो संभल कर जिया, मैं यही कह रहा था भाई कि आज के स्टंट रेस में कुछ भी हो सकता है। वो देखो भाई बाइक में तो भाई एक ही फटके में आग लग गई है भाई, बाइक तो धुआं छोड़ रहा है, और शिनचैन भाई छूटा पानी के अंदर। शिनचैन भाई मैं तुम्हें यही कह रहा था कि भाई फालतू की बातें मत करो। अरे नहीं, ये सब बाइक ही बेकार थी, बहुत ही ज्यादा बेकार था बाइक, वो इसी वजह से कंट्रोल नहीं हो पाया। जी नहीं, तुम्हारी भाई बाइक जाके सीधा ट्रेडमिल से टकराई थी, इस वजह से तुम्हारा लाइफ लाइन खत्म होती है। और अब है हमारे कलुआ भाई की बारी। क्या बात है भाई कलुआ, ये कौन सा तेरा डिजाइन है भाई? भाई बनियान के ऊपर भाई साहब इसने टाई पहनी हुई है, कमाल है यार, बहुत ही अजीब फैशन है। फैशन है कि भाई फालतू गिरी है, खैर जो भी हो। लेकिन अब करेगा रेस को शुरू हमारा कलुआ भाई। क्या कर रहा है भाई तू? अरे शान भाई हेलमेट लगा रहा था। हाँ, हेलमेट लगाना तो भाई जरूरी है, लेकिन एक चीज मैंने देखी है भाई, तू ही हेलमेट लगाता है, शिंचर और नोबिता भाई हेलमेट नहीं लगाते। अरे बेवकूफ है, उनके बातें क्यों कर रहे हैं हम? देखो नोबिता भाई, अरे ओए टिंगो तू भी देख कैसे मैं रेस को जीतता हूँ। यहाँ पे संभाल के चलना होगा मुझे, क्योंकि यह वही पॉइंट है जहाँ से भाई साहब ये शिनचैन नीचे गिरा था। ट्रेडमिल तो बहुत ही ज्यादा बड़े हैं। यहाँ पर कलो भाई भाई साहब ट्रेडमिल को स्टडी करते हुए, और भाई साहब क्या बात है यार, क्या व्यू है भाई इस ट्रेडमिल का। और आज का मौसम भी काफी ज्यादा सनी है भाई, क्योंकि गर्मी तो भाई साहब बहुत ही ज्यादा है। चल भाई कलुए अब भाई पार कर ले यार, कितना स्टडी करेगा। अरे हाँ, अभी करता हूँ, लो मैंने कर लिया पार ट्रेडमिल को। अबे ट्रेडमिल ही पार कर लिया है भाई तूने, रेस को नहीं, अभी बहुत ज्यादा बाकी है चढ़ाई। और यहाँ पर संभल के भाई साहब ट्रेडमिल बिल्कुल पास में है, अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो नीचे। बहुत अच्छे भाई साहब, क्या बात है कलवा भाई, तो इस ट्रेडमिल को भी पार करते हुए सीधा आ गया है बैलून के ऊपर। लेकिन अभी बहुत ही ज्यादा आगे स्टंट रेस है आगे, मेरे ख्याल से इस भाई साहब को केटल में जाना है। बच गए भाई साहब, बच गए बिल्कुल भाई साहब, थोड़े से बचा है कलुआ यहाँ पर, वरना तो भाई नीचे गिर जाता। अब आगे हम उम्मीद करेंगे कि अच्छे से खेले, लेकिन आगे कुछ दिख नहीं रहा। चलो जी चलो चलो, बहुत अच्छे, ओहो यहाँ पर थोड़ा सा बचते हुए, क्या बात है, फिर से किया है यहाँ पर रोटेट। जी हाँ, ओहो फिर से भाई साहब ट्रेडमिल, नहीं 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 बच गया भाई, किस्मत बड़ी अच्छी है कलुआ की यहाँ पर बचता हुआ। संभल के चलना होगा यहाँ पर, स्टडी कर रहे हैं फिर से। जी हाँ बहुत अच्छा अनुभव, मेरे ख्याल से कलुआ ने भाई साहब एक स्ट्रेटजी अपनाई है कि जैसे ट्रेडमिल पार होता है ना, वैसे ही भाई साहब ये भी अपनी बाइक को। लेकिन यहाँ पर बचते हुए
ऑब्स्टिकल से बचना होगा, क्योंकि अगर उनकी वजह से ना हर बार से ही हमारे प्लेयर्स की व्हीकल का डिसबैलेंस हो जाता है और उसकी वजह से यहाँ पर जंप नहीं नहीं मुझे लगा था कि यहाँ पर जंप है लेकिन कंट्रोल करना होगा आगे। ओ बहुत अच्छे, ओहो भाई साहब अब आगे है चढ़ाई, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है यहाँ पर। क्या कर रहा है बे कलुए? अरे थोड़ा सा मैं स्टडी कर रहा हूँ कैसे चलाऊंगा, बहुत डिफिकल्ट है ये। तो चलो जी कलुआ भाई ने कर दिया भाई आगे की शुरुआत, लेकिन ये ट्रेडमिल को ज़्यादा स्पीड में चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे इनको इतनी भी आसानी होगी इसको पार करने में। लेकिन स्टडी करते हुए यहाँ पर जी हाँ बूस्टर का किया है इस्तेमाल, बहुत अच्छे बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से कलुआ भाई आगे चढ़ते हुए, लेकिन भाई साहब यहाँ पर कंट्रोल थोड़ा सा मुश्किल होता हुआ, बहुत अच्छे यहाँ पर जी हाँ बहुत ही शानदार, लेकिन आगे स्टंट अभी बहुत ही ज़्यादा बाकी है। और एक सेकंड डायमंड को नीचे गिरा दिया, आगे है जंप तो कलुआ भाई जी हाँ पीछे तो करना ही पड़ेगा क्योंकि भाई साहब स्पीड के बगैर जंप तो हो ही नहीं सकता। आई होप कि कलुआ भाई ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया है तो ये जंप भी वो अच्छे से मार लेंगे, लेकिन उम्मीद तो थोड़ी सी कम ही है। तो चलो जी कलुआ भाई ने एक दे दिया है कुछ ज़्यादा ही स्पीड, बाइक का तो भाई धुआं निकाल के रख दिया, हल्का सा लगाया है बूस्टर। आई होप कि ये जंप उनके लिए बहुत अच्छे, भाई साहब बहुत ही अच्छे भाई साहब, मतलब लक से बचे हैं भाई साहब, अपने बिल्कुल एजिस पे आके बूस्टर को लगाया है जिसकी वजह से बच गए, वरना तो शायद से नीचे गिर सकते थे। यहाँ पर भी मेरे ख्याल से जंप दिख रहा है मुझे, यहाँ पर जंप है लेकिन हौले से, क्योंकि यहाँ पर ट्रेडमिल भी है भाई साहब, ये पहले से ही पता नहीं किसकी इंजरी हुई हुई है यहाँ पे। खैर जो भी हो, लेकिन ट्रेडमिल पे यार कलुआ भाई तुम इतने ज़्यादा क्यों रुक जाते हो? अरे ट्रेडमिल बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है पार करना शौंज भाई, और मैं इतना आगे आ चुका हूँ, मैं नहीं चाहता कि अब मैं आउट हो जाऊँ। ओहो क्या बात है भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों के साथ, लेकिन कलुआ भाई पहुँच चुका है नेक्स्ट स्टेज पर और यहाँ पर है ओ नो। ओहो भाई साहब डीग फूट गई, बाइक नीचे गिर गई, अबे हेलमेट तो उतार दे। अरे इस हेलमेट की वजह से तो बच गया था मैं, वरना तो भाई साहब बहुत चोटें लगती। आ आ चोट तो बहुत लगी है, लेकिन कोई बात नहीं, इतने बड़े बड़े रेसेस को जीतने के लिए छोटी छोटी चोटें तो लगती रहती हैं। चलो जी कलुआ भाई ने कर दिया भाई अपनी कार से अब आगे रेस को शुरू। यहाँ पर है फुटबॉल्स, ओहो अबे भाई साहब ऑब्स्टिकल्स तो भरे पड़े हैं यहाँ पे, ओ भाई कितने सारे फुटबॉल्स हैं यार, मुझे लगा था भाई थोड़े से ही होंगे लेकिन ये तो बहुत सारे हैं। और आगे है भाई साहब एक रिंग, ओ लेकिन भाई साहब फुटबॉल्स की वजह से मुझे लगता है थोड़ी सी डिफिकल्टी होने वाली है, लेकिन कोई बात नहीं शौर्य भाई मैं इसे भी पार कर लूंगा। हल्का सा लगाया है बूस्टर कॉन्फिडेंस के साथ और बहुत ही अच्छे जंप यहाँ पर, और क्या बात है जंप के साथ साथ भाई साहब व्हीकल का भी इनका थोड़ा सा बुरा हाल हो गया, शीशे वगैरह सब टूट गए, लेकिन एक सेकंड यहाँ पर ओ फिर से एक जंप है भाई। और आगे है ट्रेडमिल्स ढेर सारे बचते हुए यहाँ पर भाई साहब, यहाँ पर थोड़ा सा टेढ़ा ट्रेडमिल है तो संभाल के चलना होगा, लेकिन एक सेकंड मैं आगे को ये कार देख पा रहा हूँ भाई साहब, लिमोजिन यहाँ पर कैसे खड़ी है भाई, वो क्या बात है भाई, आज का स्टंट रेस मतलब भाई साहब बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है और बहुत ही अगर जीत गए तो बहुत ही ज़्यादा प्राइज मनी भी मिलने वाला है। यहाँ पर क्यों रुक गए लेकिन कलुआ भाई? अरे मैं इस ट्रेडमिल को स्टडी कर रहा हूँ, क्या है ना यहाँ पर ढेर सारे ऑब्स्टिकल्स भी हैं और ट्रेडमिल भी है तो कुछ दिख नहीं रहा था। अरे फिर से एक लिमोजिन शौंज भाई, लगता है आज का स्टंट रेस जीतने पे तो मुझे बहुत सारा पैसा मिलने वाला है। महंगा है यानी कि आज का स्टंट रेस जीतने के बाद प्राइस भी कुछ ज्यादा ही मिलने वाला है। अरे वाह मजा आ जाएगा आज तो, प्राइस मनी ज्यादा है इसका मतलब मुझे जीतना होगा इस रेस को। अरे ये क्या, ये रिजिड है, चलो कोई बात नहीं मैं फिर भी जीतूंगा। लगता तो यही कि तू जीतेगा, तू तो यहीं पे हारेगा, टेंशन मत ले, अभी तो बहुत स्टंट रेस बाकी है, तेरे बस का नहीं है जीत पाना। हाँ हाँ खड़े होकर जल तू वहां पर जल कुकड़े। अरे ये फुटबॉल कहाँ से सामने आ गया, एक तो ट्रेडमिल ऊपर से फुटबॉल। तो संभल कर जी हाँ बूस्टर लगाया है भाई साहब बहुत अच्छे, फिर से है ट्रेडमिल और आगे मेरे ख्याल से एक टनल भी आने वाला है, तो इन्हें अपनी व्हीकल को भी बचा के रखना होगा क्योंकि टनल में तो व्हीकल्स की भाई साहब बुरी हालत हो जाती है। ट्रेडमिल्स और बूस्टर बहुत अच्छे, मुझे लगा ही था कि यहाँ पर भी बूस्टर का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन क्या कर रहे हैं अपने व्हीकल को इतना डैमेज क्यों कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। कार को करना होगा सीधा, बहुत अच्छे भाई साहब, कार का एक पल्ला भी गया, साइड की गेट भी गई, लेकिन लगता है पीछे वाला टायर काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका है भाई साहब, वो चलने का नाम नहीं ले रहा।
बाकी तीन टायर्स के ऊपर बस घसीट रहा है। फिर से है ट्रेडमिल, आई होप कि ये इस ट्रेडमिल को भी पार, जी हाँ इस ट्रेडमिल को भी इन्होंने बूस्टर से ही पार किया है। लेकिन कार, ये क्या भाई, अब तो कार चल भी नहीं रही है। नो 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 भाई साहब, कहीं अब ऐसा ना हो कि कलुआ भाई इस कार की वजह से हार जाए। लो भाई साहब, एक तो यार लो इतना मतलब स्लो ये घूम रहा है व्हील, इससे भी ये अपनी कार को नहीं बचा पा रहा है। पता नहीं क्या हो गया है भाई कलुआ भाई को। अब आगे है मेरे ख्याल से नीचे एक जंप, जी हाँ नहीं कहीं ये कार ब्लास्ट ना हो जाए। कंट्रोल और बहुत अच्छे, नहीं नीचे गिरते जा रहे हैं। आगे है जंप, अरे भाई साहब रोक लो, कार तो बस घूमती जा रही है गोल गोल। रोक लो भाई साहब, रुक गई कार, रुक गई भाई। लेकिन पीछे क्यों कर रहे हैं, ओ माय गॉड लिमोजिन्स, मैं यहां से लिमोजिन से कंप्लीट कर लो क्या? ट्राई कर सकते हो अगर लिमोजिन चली तो। चल भाई देख ले चलते हैं कि नहीं। ओ भाई साहब कलुआ इसके अंदर बैठ तो गया। ओ भाई चल रहा है ये, मतलब भाई साहब अबे कलुआ तू क्या, तू लिमोजिन से करेगा क्या रेसो कंप्लीट? हाँ शॉन भाई तो क्या हो गया? ओ माय गॉड भाई साहब, ये सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव भाई स्टंट रेस आज तक का, और किसी भी प्लेयर ने आज तक भाई लिमोजिन से रेसो कंप्लीट नहीं किया। हमारा कलुआ भाई पहला प्लेयर बनेगा जो कि लिमोजिन से रेस को खेलेगा भाई, क्या बात है भाई साहब। द रॉयल व्हीकल लिमोजिन लेकिन टकराने वाली है। ओ गॉड भाई लिमोजिन का तो इसने नींबू निकाल के रख दिया भाई, नींबू की तरह निचोड़ के रख दिया। देख रहे हो क्या हाल बनाई है भाई इसकी। ओहो पीछे से तो बिल्कुल पचका हो गया इसका। खैर कोई बात नहीं, लेकिन जो भी हो हमारा कलुआ भाई ने भाई बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी है और बिल्कुल लास्ट तक पहुंच चुका है। कैसा लगा लिमोजिन के साथ रेस कंप्लीट करने में भाई कलुए? अरे बहुत अच्छा लगा शौर्य भाई, लेकिन उससे भी ज्यादा मुझे बुरा लगा कि अरे लिमोजिन डैमेज हो गई। अरे कोई बात नहीं, टेंशन मत ले, बस एक बार रेस तो जीत जा, तेरे को लिमोजिन भी दे देंगे। चलो अरे ये क्या चल नहीं रही, अबे बूस्टर तो लगा तभी तो नीचे गिरेगा। जी लगा लिया है बूस्टर कलुआ भाई बिल्कुल लास्ट स्टेज पे, लेकिन भाई ये स्टेज भी इस बार इजी होने नहीं होने वाला। ओहो ट्रेडमिल से मुझे लगा था कि गिर जाएंगे, लेकिन ना ट्रेडमिल से भी बचते हुए आगे है। एक सेकेंड, आगे बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं तो संभल के चलना होगा। थोड़ी सी भी टक्कर और सीधा नीचे, बहुत अच्छे। आज कुछ ज़्यादा ही उफान आ रहा है भाई समुद्र के अंदर, और समुद्र का पानी भी कुछ ज़्यादा ही साफ दिख रहा है, बहुत अच्छे। लेकिन भाई साहब थोड़ा सा जल्दी चलना होगा आज का, भाई साहब फिनिश पॉइंट भी बहुत ज़्यादा दूर है। एक फिर से ये बूस्टर लगाया, हल्की सी छोटी सी जंप, को ज्यादा ही बड़े बड़े वेव्स आ रही हैं, थोड़ा सा इन्हें डिफिकल्ट हो रहा है भाई साहब कंट्रोल करने में अपने इस मोटर बोट को। लेकिन आगे कहाँ, अच्छा वो रहा भाई साहब एक और चेक पॉइंट, यार हमें बिल्कुल नहीं दिखा। लेकिन कलुआ भाई हमारे बेस्ट प्लेयर, लेकिन ये क्या कर रहे हैं भाई, अबे क्या कर रहा है बे? अरे मैं इसके ऊपर से जंप करा दूं। अबे गधेड़ा क्यों जंप कराना है भाई, रहने दे। अरे नहीं थोड़ा मजा आएगा, देखते हैं ना जंप करा के। यस वाह वाह कितना मजा आया, फालतू गिरी करके कलुआ भाई को हमारे मजा आ गया। लेकिन एक सेकेंड, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ भाई साहब आगे है फिनिश पॉइंट, कलुआ भाई का पेशेंस खोता हुआ, बूस्टर का किया इस्तेमाल और सीधा भाई साहब गोल से टकराए, बहुत अच्छे। क्या बात है, झाड़ियों से बाहर निकलो भाई, थोड़ा दिखाओ अपना चेहरा। यस क्या बात है भाई, कलुआ भाई हमारा रेस जीत चुका है। भाई साहब आज का स्टंट रेस इतना ज्यादा बड़ा और डिफिकल्ट था, मुझे यकीन नहीं हो रहा भाई कि कलुआ भाई एक ही रन में रेस को जीत गया। वाओ कलुआ भाई आई मस्ट से यू हैव परफॉर्म्ड वेरी वेल, बेस्ट परफॉर्मेंस है तुम्हारी अब तक ये। यस चैंपियन बॉय, या। अरे लेकिन ये क्या शॉन भाई, मेरा प्राइज मनी यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तुम फिर से भूल रहे हो कि अब हम प्राइज मनी सिर्फ एयरपोर्ट हैंगर्स पर देते हैं, तो तुम्हें भी तुम्हारा प्राइज मनी वहीं पर मिलेगा। तो ये देखो भाई साहब आ चुका है भाई साहब हमारे कलो भाई का प्राइज मनी, और प्राइज मनी में आज तुम देख के भाई शॉक हो जाने वाले हो। ये देखो भाई, देख रहे हो भाई एक लाइन से लगे हुए हैं भाई कितनी सारी लिमोजिन्स। वो भाई साहब ये थोड़ा पीछे नहीं गए, कोई बात नहीं, सारी की सारी लिमोजिन्स भाई साहब है हमारे कलुआ भाई की। और इतना ही नहीं, पीछे है भाई ये ढेर सारा गोल्ड। ओ माय गॉड भाई साहब कितना सारा गोल्ड है यार, कम ऑन भाई, ये तो भाई लाइन ही नहीं खत्म हो रही है। और इधर है भाई साहब दो दो गोल्डन प्राइवेट जेट्स, थोड़ा सा अंदर का लुक देखते हैं भाई इसका। वो भाई क्या बात है यार, क्या इंटीरियर का लुक आ रहा है। वो भाई साहब अंदर टीवी वगैरह सब लगे हुए भाई,
दिस इज हाई टेक गोल्डन प्राइवेट जेट, और इधर भी है द सेम गोल्डन प्राइवेट जेट, क्या बात है। और यार मैं ये तो बताना भूल ही गया भाई, इधर पेटियां भर भर के डॉलर्स, 10 पेटियों में भर भर के डॉलर्स हैं भाई साहब। आज जितना कलुआ को मिला है उतना आज तक किसी प्लेयर को मुझे नहीं लगता कि मिला होगा। और बाहर का टेम्परेचर लगता है कुछ नीचे गिर रहा है। तो कलुआ भाई कैसा लगा भाई तेरा प्राइज मनी ये बता। अरे बहुत ज़्यादा शानदार है सौंज भाई, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये सारे लिमोसिन्स मैं तो सोच रहा हूँ इन्हें रखूँगा कहाँ। तेरे पास एयरपोर्ट का हैंगर तो है ही। अरे हाँ हाँ, अब तो यही रखना पड़ेगा या फिर दूसरा हैंगर खरीदना पड़ेगा। बहुत शानदार है लिमोसिन्स, मैं एक या दो रख लूँगा अपने पास, बाकी सारी अपने शोरूम में लगा दूंगा बिकने के लिए। मेरा शोरूम बहुत बड़ा है। और ये पेटियाँ भर भर के डॉलर्स, इनमें से 3 पेटियाँ तो मैं सिर्फ पार्टी के लिए इस्तेमाल करने वाला हूँ। इसका मतलब आज की पार्टी बहुत ज़्यादा शानदार होने वाली है। सही कहा बे टिंगू, आज की पार्टी बहुत ज़्यादा शानदार होगी, तो ज़रूर पहुँच जाना समझा। आज की पार्टी मैं इस लॉस सैंटोस के सबसे महंगे होटल में दूंगा। अरे भाई थैंक यू गुलू, मैं बिल्कुल टाइम पे पहुँच जाऊँगा। कब होगी पार्टी? आज शाम को आ जाना। नमिता भाई तुम भी ज़रूर आना। ठीक है मैं ज़रूर आऊँगा। तो चलो भाई मुझे चलने दो यार। तो चलो लिमोसिन से ही चलते हैं हम तीनों, एक लिमोजिन उठाते हैं और मेरे घर चलते हैं। तो चलो भाई कलुआ टिंगू और नोबिता भाई तीनों करने भाई पार्टी शाड़ी करने भाई मजे और घूमने दो लिमोजिन में। तब तक यार हम भी चलते हैं और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल टू स्टे कनेक्टेड। अरे आ जाओ, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का।